6 अगस्त है और कल ही व्यापम के वेबसाइट पर जारी किए गए महिला पर्यवेक्षक की तिथि के संबंध में जिसका 27/8/2023 को इसका एग्जाम लिया जाएगा और व्यापम के वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा 21/8/2023 को, यानी कि 21 अगस्त को इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब रही बात खुली पर्यवेक्षक सीधी भर्ती का, जिसका समय आपका सुबह 10 बजे से लेकर 12:15, उसी प्रकार आपका परिसीमित सीधी भर्ती की समय है आपका 2 बजे से लेकर 4:15 तक। आज जो हम क्लास करने वाले हैं बाल श्रम अधिनियम 1986 से प्रश्न देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा और जो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक के बारे में, जिसका कम समय बचा हुआ है। मात्र देखिए आज आपका 6 अगस्त है और व्यापम ने कल ही जारी किया है 5 अगस्त को व्यापम में कि परीक्षा आपका 27 अगस्त को लिया जाएगा, जिसमें आपका समय मात्र 20 से 21 दिन बचा हुआ है। आप 20 से 21 दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके लिए एक वीडियो बनाया हूं जिसका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। अब बात करने वाले बाल श्रम अधिनियम, एक और बात है जिसमें दो तीन महिलाओं ने पूछा था कि जो तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें हम कैसे तैयारी करें 20 से 22 दिन में। तो देखिए आपको कोई नया चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जो अगर नया चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जितना आप पढ़े हैं उसको रिविजन कीजिएगा या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर मेरे चैनल पर आप लोग बिल्कुल रिवाइज करते चलिएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सिलेबस है, एक बार बिल्कुल सिलेबस के तौर पर आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। हमने कल बताया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर बाल श्रम अधिनियम का, जिसमें 1986 से क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बाल श्रम अधिनियम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आपको जानना होगा कि बाल श्रम अधिनियम होता क्या है 1986, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, समझ के जाना, रिवीजन करके जाना, ठीक है। बाल श्रम अधिनियम होता क्या है, क्या है तो देखिए, अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है तो वह बाल श्रम कहलाता है। याद रखना, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बाल श्रम अधिनियम क्या है तो आप बताएंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी सरकारी काम में या फिर व्यावसायिक में उद्देश्य में कार्य कराना आपका बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत आता है। यह भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है। भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर पाबंदी लगाई गई है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बाल श्रम अधिनियम कौन से आर्टिकल के तहत पाबंदी लगाई गई है, आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत यह बाल श्रम को पाबंदी लगाई गई है। जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हमारा मेहनत को जाया ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देख के ज़रूर जाना, है ना। तो देखिए बाल श्रम कराने पर जो सज़ा क्या है, तो देखिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर लगाता है तो ऐसे करने पर उनको 2 साल तक की कैद की सज़ा या फिर जुर्माना अधिकतम 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा कि बाल श्रम अधिनियम है ना, जो अगर सरकारी बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर सरकारी में काम में कार्य कराते हैं तो उनको अगर सज़ा, मतलब जैसे कि अगर आप उनको 14 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य कराते हैं अगर ऐसा पाया जाए तो 2 साल के लिए उनको कैद की सज़ा दिएगी और अधिकतम जो जुर्माना है आपका 50,000 रुपया तक के जुर्माना का प्रावधान है। यह कानून 14 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों को खान के साथ ही अन्य ज्वलनशील पदार्थ के विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यों में रोजगार पर लगाने पर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह कानून फिल्मों, विज्ञापन और टीवी उद्योग और बच्चों में काम करने पर लागू नहीं होता। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बाल श्रम अधिनियम में कि देखिए बाल श्रम, जैसे कि अगर आप कोई काम कराते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे को तो उसको मात्र 2 साल सज़ा दी जाएगी कैद का और जुर्माना आपका 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और तीसरी बात याद रखना, क्या है सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी उल्लंघन पर प्रावधान। तो अगर 14 से 18 साल की उम्र वाले से अगर काम कर लिया जाए
लेकिन इसके अगर अब काम समय सीमा तक रजिस्टर मेंटेन न किया जाए, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उल्लंघन किया जाए तो 1 माह तक की जेल और 10 से 20 हज़ार रुपये तक का जुर्माना का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसको फैक्ट को याद कर लीजिएगा। बाल श्रम पहले कौन सा अधिनियम लागू था, मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम है जो बाल श्रम पर लागू था? तो देखिए, बाल श्रम निषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 से पहले बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 लागू था। कौन सा पहले? देखिए यहाँ पर बाल श्रम पहले कौन सा लागू था, पर 2016 से पहले 1986 जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके तहत 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। 2016 में संशोधन के जरिए जुर्माना राशि में इजाफा किया गया है। फिल्म सीरियल में काम करने वाले बाल कलाकारों को इससे छूट दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान में क्या है बच्चों से जुड़े प्रावधान। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के खिलाफ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 23 में बाल तस्करी और मजदूर श्रम पर रोक लगाई गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 39 में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को कानून और नीति बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आप आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ पर बाल श्रम अधिनियम से 1986 तहत क्या क्या याद रखना पड़ेगा, अनुच्छेद 24, 23 और 21, ये तीनों ही अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, या फिर इसको चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन करते हैं। अब हो जाओ तैयार रिवीजन करने के लिए। ठीक है, ये सभी प्रश्न जितने भी अभी कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। बाल श्रम विनिमय अधिनियम के तहत किस उम्र के बच्चों को किसी भी काम पर लगाने पर प्रतिबंध किया गया है? तो बताएंगे 14 वर्ष के कम वर्ष के बच्चे को बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर बाल श्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, इसका मैं आपको वन लाइनर के तौर पर फैक्ट बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से समझ के जाइएगा। बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना किस प्रकार का अपराध माना जाएगा? तो संज्ञेय अपराध, यह आपका व्यापक में पूछ सकता है। एक बार फिर से समझिएगा कि बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना आपका संज्ञेय अपराध होता है ना, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाया गया है? आर्टिकल नंबर 24, जो आपको पहले अभी बताया। बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम का पारित हुआ था 23 दिसंबर 1986 को, याद रखना, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम का पारित हुआ है 23 दिसंबर 1986 को। जितने भी अभी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या याद कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर रट के जा सकते हैं, है ना। तो वीडियो में आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारा मेहनत को जाया ना करते हुए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना। इस वीडियो में कम से कम अच्छा खासा अगर वीडियो में लाइक आता है तो हम ऐसे ही डेली क्लास लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, डेली अगर क्लास करना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, हम आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आए हैं तो इतना आप सभी के लिए बनता है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 में प्रथम संशोधन कब हुआ है? तो 2016 में। ठीक है, याद रखना, जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, डीपली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभी मैं आपको करा रहा हूँ उसको अच्छे से 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट पढ़ लीजिएगा।
बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे क्या सज़ा होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपको बताया था ना डेफिनेशन में, तो देखिए समझिएगा डेफिनेशन में। जैसे आपको बताया था, न्यूनतम 6 माह अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 20,000 रुपया और अधिकतम 50,000 रुपया जुर्माना। ये याद रखना, ये फैक्टर। अगर बाल श्रम अधिनियम के अधीन 1986 के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम मात्र 6 महीना, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास। अभी आपको बताया था जस्ट उसी प्रकार, न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 50,000, है ना। तो याद रखना, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, याद रखिएगा, है ना। अब एक मिनट ना, बस इतना ही आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो 26 सितंबर 1994 को। याद रखना, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। ये फैक्टर याद कर लेना, ये वाला फैक्टर, ठीक है। गर्भवती महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह का वेतन एवं मातृत्व अवकाश का पाने का अधिकार है? तो 12 सप्ताह, है ना, 12 सप्ताह। तो 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 12 सप्ताह का मतलब होता है 12 सप्ते 84 दिन, ठीक है, याद रखना 84 दिन। ऐसा भी पूछ सकता है कि गर्भवती महिला को कर्मचारी के लिए सप्ताह का वेतन 1 मानव अवकाश पानी का अवकाश 12 सप्ताह हो सकता है। तो 12 सप्ताह, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, 12 सप्ते 84, ठीक है, 84 दिन, ऐसा भी दे सकता है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये 2 फैक्ट और पढ़ लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद को कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त के लिए साधन है? 39A में। और मातृत्व लाभ संशोधन बिल 2016 में प्रथम बच्चे पर महिलाओं के मातृत्व अवकाश को कितना किया गया है? तो 26 हफ्ता, ठीक है। तो आप यहाँ से हिसाब कर लीजिएगा, 26 हफ्ता का मतलब होता है 7 से 7 6 42 का 2, 4 बचा यहाँ पर, फिर 7 2 14, 14 4 18, यानी कि 182 दिन, ठीक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1976 में, याद रखना बंधुआ मजदूरी वाला। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1948 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, अगर आपको एक बार फिर से याद नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये 3 फैक्ट और पढ़ लीजिएगा। ILO का पहला कार्यक्रम या कार्यालय भारत में किस वर्ष बना है? 1928। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना कब लागू हुई है? 2016। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूर प्रतिबिंध लगता है? तो अनुच्छेद 23 में। संविदा श्रम अधिनियम कब बना? 1971 में। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।